गाइस, मैं साहिर हसन आपको वेलकम कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ, बखैर रागले कहता हूँ, वश आते के कहता हूँ, अपने एक प्यारे से खूबसूरत से मोहब्बत भरे प्रोग्राम के तवसुत से जो ऑनर है तुम न्यूज पे और आप हमें देख रहे हैं। इसमें सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो है वो मोहब्बतें बांटी जाएंगी और पाकिस्तान का हिडन और सुपरस्टार्स जो हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, हिडन टैलेंट है और पाकिस्तान की वो शख्सियात इंशाल्लाह मैं इंट्रोड्यूस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सर्च में लगा रहता हूँ, हमारी पूरी टीम सर्च करती रहती है जो आप तक नहीं पहुँचते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे दोस्त आपको मिल जाते हैं जो जिनके साथ आपने बहुत पहले काफ़ी काम किया हो और पता चले कि उनका कोई सॉन्ग लॉन्च होता है तो वो मिलियंस में चला जाता है, क्योंकि आजकल दौर ही टिकटॉक का है, सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, तो हम वहीं से रेटिंग्स का हमें पता चल जाता है। तो मेरे साथ जो है एक ऐसा आर्टिस्ट, इतना खूबसूरत आर्टिस्ट, इतना माशाल्लाह एनर्जेटिक आर्टिस्ट, गेटअप ही मान नहीं है, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे साथ हैं रिजी आरजे। कुछ ब्लाइंड लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, कुछ मतलब कुछ टाइम मुझे अच्छा भी लगता है उनके साथ। तो वो एहसास कुछ 15-20 दिन पहले शुरू हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि हम मुकम्मल अल्लाह ताला ने हमें बनाया, तो हमें बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें रिजी भाई जरा मुझे बताएं कि इन लोगों से हम स्टार्ट लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता, उनमें बहुत जो है ऐसा ना मेरा टैलेंट भी होता है और वो बहुत खूबसूरत शख्सियात भी होती है, लेकिन छोटा मोटा अल्लाह ताला के वो कमी नहीं कह सकते, लेकिन हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह ताला नॉलेज डाली, लेकिन उनके दुनियावी लिहाज से हम क्यों इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर सबसे पहले तो मैं तुम न्यूज का सरदार जावेद साहब का, साहिर हसन जो एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है, कभी वो सिंगर हैं, कभी वो ड्रामा एक्टर हैं, कभी वो फिल्म एक्टर हैं, कभी वो एज अ जॉकर परफॉर्म कर रहे हैं, कभी वो सर्कस वाले बन के दिखा रहे हैं, दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका शौक बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया। और दूसरी बात रही साहिर भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पहली बात नंबर वन, हक खाना बहुत गलत बात है। जी जी बिल्कुल। हक जो है खाना वो बहुत गलत बात है, क्यों कि आप देख लें आपके सामने मेरे सामने कई ऐसे आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग अस के बेचारे काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको खींचा जाता है कि ये काम ना करें। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है कि मेरा एक बड़ा अच्छा टूर था आउट ऑफ कंट्री का, वो अभी ऑफ द कैमरा जिक्र भी हुआ था। हाँ जी, तो वो बस जिक्र भी करेंगे तो बिल्कुल। हाँ जी, तो बस ये है कि मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे वहां से हटा दिया, पीछे कर दिया कि यार इसको हिडन कर दो, अगर ये सामने आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम से यहीं से शुरू किया प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने ना रहीम लाला, रहीम शाह साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो कुछ कॉपी मैं भी कर लेता हूँ उनको कभी कभी शोज में, कभी ऐसी एंट्रीज होती हैं कि वो बंदा ऐसा है कि ये मैं दिल से बात बता रहा हूँ कि मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी रहीम लाला की, रहीम शाह साहब की बात कर रहा हूँ, तो कमाल हो जाता है। लोग मैंने कुर्सियां टूटती, ये नहीं कि लोग कुर्सियां फेंक रहे थे, लोग एंजॉय करते करते उन्होंने स्टेज भी तोड़ दिया, एंजॉय करके टेंशन के इस दौर में। रिजी आरजे का भी माशाल्लाह वही लेवल है। नहीं नहीं सर, माशाल्लाह मैं समझता हूँ साहिर भाई, काम है ना, आप उसको नीयत से करें। एक जो सबसे अल्लाह ताला की मोस्ट फेवरेट चीज है वो सच है, आप हर चीज में सच्चाई के साथ चलें तो उसमें अल्लाह आपका मददगार भी होता है। तो जब आप काम करने के लिए जाते हैं, आप देखें कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत बख्शी है कि हजारों लाखों लोग आपके सामने हैं और आप ऑन द स्टेज आप परफॉर्म करके दिखा रहे हो, वो सबकी नजरें आप पे मरकूज हैं। तो फिर आपका हक बनता है कि जब अल्लाह ने आपको इतना स्पेशल बना के लोगों के सामने खड़ा किया तो आप काम के साथ ईमानदारी करें। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, अभी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये है कि, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है और ऑब्वियसली वो जो है क्या सनम, वही रहमान रहीम है, वही हमने करते हैं वो, मतलब मैंने शुरू में जैसे क्वेश्चन किया था जैसे हमारे डिसेबल्स हैं इसका ना, तो मैं भी यही कहूँगा रिजी भाई भी इस पर बड़ा वर्कआउट करते हैं, तो अपने इर्द गिर्द प्लीज जरूर देखा करें और उनको सपोर्ट जरूर किया करें, काफी ऐसे लोग होते हैं। साहिर भाई मेरे पास ना चंद दिन पहले एक भाई आए, दोस्त मतलब किसी के रेफरेंस से आए, तो मुझे कहते हैं जी मुझे बड़ा शौक है गाने का, तो वो बेचारे मतलब ना दोनों बाजू नहीं थे उनके, तो मैंने कहा सर आपको इतना, कह रहे यार पहले सुनो
अब उनका हौसला देखें और वो फन के साथ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम छोटी छोटी, मैं और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो ऐम ही शिकवे करते रहते हैं, यार ये हो जाता, यार वो हो जाता, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे, ये गलत है। मैं समझता हूँ क्योंकि जो अल्लाह की मसलहत है वो अल्लाह को ही पता है, वो हर लिहाज में जिसको भी जिस सूरत में रखा हुआ है वो बहुत बेहतर है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ। तो आप कहता यार मेरिया बाहों वालों वेख के ना तुसी सरदार जी नहीं सोचना कि परफॉर्म करेगा वो कार्डलेस भी होंगे माइक वो कॉलर को ला ले देने तो मैं उधर भी डालूंगा। मैं बहुत मुतासर हुआ कि यार इसका इतना हौसला इतना बुलंद है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने डिसेबल्स की बात की तो मैंने उनका एक ऑडियो सॉन्ग अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह ये मुहर्रम सफर जब गुजरेगा तो मैं आपका वीडियो भी करूंगा। क्या बात है, देखिए ना यही सपोर्ट है और हम इर्द गिर्द सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा जो है ना, अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला में दुआ करना, अल्लाह करम ही रखे। कुछ करम से याद आया कोई उछलने वाले गाने भी हैं, वो भी हम परफॉर्म करेंगे इकट्ठी, लेकिन कुछ अच्छा मजे की चीज को ऐसा कोई। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि नाम वही लिया जाए जो पूरी कायनात का खालिक है, उसी के नाम से इब्तिदा होनी चाहिए क्योंकि इज्जतें उसी के हाथ से हैं। तो मैं ये चाहता हूँ दो लाइनें में, मतलब मेरा माइंड कुछ और था लेकिन अचानक से मेरा माइंड ये बन गया कि चलें खान साहब को भी याद कर लेते हैं, जो ऐसे फनकार हुए हैं खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, के दुनिया से गए हुए उनको तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी दुनिया उनका गाया हुआ गा के रोटी खा रही है, ऐसे ही कमा रही है और पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। सुबह भी मैंने एक शो रिकॉर्ड किया। हाँ जी, तो इज अ ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड पर्सन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक हकीकत है उनकी जिंदगी की, मेरी नजर में मेरे से ज्यादा अच्छी सेंस है उनकी। उन पे मैंने एक शो भी किया खान साहब के ऊपर ही, उनकी लाइफ में उन्होंने गाया और जैसे आप बता रहे हैं उनसे बड़ी हस्ती, खान साहब से बड़ी हस्ती म्यूजिक में मेरी नजर में भी कोई नहीं है। सर मैंने फील किया लोग उनकी गाई हुई चीजें गा के रोटी जोर जी कमा रहे, और हकीकत ये मैंने कहीं, मतलब आपको मैं बताता चाहूँ कि ये मैंने बात की थी अपने अपने मजहब के लिहाज से, बात है अल्लाह उनके लिए आगे की आसानियां करे। दलेर मेहंदी साहब से बड़े उस्ताद शमशेर सिंह साहब, ये मैंने उनके सामने बात की तो उन्होंने ना मेरा माथा चूम लिया कि मैंने कहा जी हमारे पाकिस्तान को वो शर्फ हासिल है, अल्लाह ने इस पाकिस्तान में उस आर्टिस्ट को पैदा किया जिसको दुनिया सदियों गा के तो रिस्क कमाया करेगी। ऐसे ही तो वो उठे वाह 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 तेरी गल का स्वाद आ गया काका, नुसरत फतेह अली खान साहब ऐदा ही नहीं है गल बनती कि उन्होंने एडा वड्डा ना उन्होंने लकब दिता जाए, उन्होंने एडा नाम मनिया जाए। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि एक पीर जो होता है ना गायकी में वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, तो मैं ये चाह रहा था कि चले उनका जिक्र भी लाजमी है क्योंकि अगर गायकी का जिक्र करेंगे तो उनका नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी है। जी जी बिल्कुल, तो हम लोग तो उनको गा के ही तो अपना एक सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि दो लाइने में उनके लिए मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू। अब यहाँ पे एक बात है जो मैसेज भी है कि लोग इस बात पे फोकस पे करें, नवाजता है सबको वो दिल नवाज है तू, मेरा घुमंड है और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है सारे बिगड़े का करीम, सारे जमाने का कारसाज है तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये जमी जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो, अल्लाहु 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 अल्लाहु
क्या बात है माशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जिस तरह सितारे हैं आसमानों पे चमक भी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा सितारा जो कहते हैं कि चमकता सितारा माशाल्लाह, सुरों पे इतनी ग्रिप और खान साहब को गाना इतने नीचे सुरों से शुरू करके और इतनी प्यारी जगहें लेके बहुत खूबसूरत रिजी भाई। असल में ना ये है कि जो चीज़ है वो मतलब मैं शो जो मेरा जो ये स्टार्ट किया, हमारी पूरी टीम ने दोबारा से स्टार्ट किया शो, उसमें यही है कि मतलब यार अभी इन्होंने जिक्र किया किसी की दिल आजारी ना करें। हाँ जी, इन्होंने एक शुरू में जिक्र किया कि कुछ शो था या जो भी एक्सेस बाय जेड, मुझे नहीं पता ना मुझे जानना है या मैं ना मुझे बताना है आपको, किसी का दिल मत दुखाएं कभी, क्योंकि आप जब दिल दुखाते हैं कहते हैं रब दिलां च वसदा है। हाँ जी बिल्कुल, तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कर लें यार उनको, क्या वो आप अगर उधर से कट करेंगे तो अल्लाह ताला क्या पता वर्ल्ड टूर करवा दे। बेशक बेशक, तो जो नसीबों में इनके रिस्क होगा वो तो कोई भी छीन ही नहीं सकता, बेशक और उसमें भी कोई बेहतरी थी शायद। जी मैं ये मानता हूँ ये चीज, देखें मैंने मेरे सामने जब ये सारी सिचुएशन आई है तो मैं ये सोचा, मैंने कहा यार ये मेरे लिए था ही नहीं, मैंने इसको सोचा ही नहीं, लेकिन इसमें जो मुझे फायदा हुआ वहां पे ना जाके या वहां पे मेरी बात अगर नहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसमें मुझे हासिल क्या हुआ, जो प्रॉफिट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुछ लोग मेरे सामने आए हैं कि यार ये तो और चेहरों वाले लोग हैं, तो ये अल्लाह ने डबल मीनिंग और डबल फेसेस वाला, डबल फेसेस वाला अल्लाह ने मुझे बीच में से वो फायदा, वो मुझे प्रॉफिट होगा। और आजकल के दौर में यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप बंदा किसी के बारे में जज नहीं कर सकते यार ये कैसा होगा, क्योंकि लोगों को ज्यादातर आजकल आदत है मुनाफिक होके अगले बंदे को उसके अंदर घुसने की, उसको काटने की, उसके सारे राज लेने की, फिर उन पे पानी फेरने की। मुहतरमा है मेरे ज़हन से ना नाम ले गया, मैं तो फैन हुआ हूँ, आज मैंने उनके मुंह से एक बात सुनी, मेरी औकात नहीं है ये बात करने की कुछ। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कुछ नहीं, उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने हमसे सवाल पूछने हैं ना आजकल बंदे पूछ रहे हैं दूसरे से। वाह वाह, ये हकीकत है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, उन्होंने बोला कि जो अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब किताब लेना सवाल वो दुनिया में हमसे वो किया जा रहा है। जी जी सर, देखिए जो हक है ना वो मैं पहले अर्ज किया, जैसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो किसी का हक है वो ना खाए और जो जिसका हक है उसको दें। ये बात मैंने पढ़ी थी हमारे लेजेंड है मुस्तनसर हुसैन तारर साहब चाचा जी, जिनको हम देख देख के उनके कार्टून की एपिसोड्स, तो फिर हम स्कूल जाया करते थे उनको देख के जवान हुए, ये जी 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 मैंने उन्होंने ये बात कही थी कि वो काम करें, वो बातें करें लोगों से जो इंसान करते हैं, वो ना करें जो कि अल्लाह ने करनी है। आप उससे पूछ रहे हैं नमाज पढ़ी थी, जकात दी थी, हज किया था, ये अल्लाह के काम है। आप उससे ये पूछे तुमने रोटी खाई है, तुम्हारे बच्चे घर में भूखे तो नहीं, हम साये जो है अब एक्चुअली हकों को लिबास जो है, तो हम लोग जब अब देखे ना किसी टाइम मैं ये सोचता हूँ कि यार हम लोग जब टीवी पे बैठ के ऐसी बात करते हैं तो लोग हमारे बारे में सोचते हैं यार है सिंगर ने तो बहुत चंगे बने हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पे ये बात लोगों को कहना चाहूंगा कि हम लोग भी इंसान है और आप लोगों में से ही है, अगर हम कुछ बनते हैं कोई स्टार बन के आपके सामने आ जाता है तो वो सिर्फ आप लोग हैं, जो प्यार करते हैं तो हम स्टार बन जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ठोकरों के बाद जो दिल रह चुका होता है ना वो इतना सा होता है, आप लोगों के इतने बड़ा सेंसिटिव होता है, तो हम आप लोगों से करोड़ गुना आगे जाके हसास तरीन रह के सोचते हैं, तो कोशिश ये करें कि मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे के लिए बेहतर असबाब बनने की कोशिश करें और एक मुस्कुराहट बांटें, मुस्कुराहट बांटें जो नहीं खत्म हो चुकी। जी और मुझे किसी ने कहा है क्या साहिर भाई आप शोर मचाया हुआ फलाना, मैं कहा यार आपकी शादियां शुरू तो फिर इनके वगैरह तो सस्ती नहीं ना, तो आप भंगड़े डाल रहे हैं फैमिली के साथ, पूरी फैमिली बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये करते, मैं क्या एक जवाब दिया वो बंदे ने उसके बाद ना, वो कहता साहिर भाई इस बात पे फैन तो अल्लाह माफ़ कर मैं क्या हूं, कहता आज मैं कह सकता हूँ कि एक बंदे मुझे अल्लाह ने मेरे जहन में डाला, ये तो नफरतें हो रही है वो सियासी पार्टी है वो फलाना है वो उसका, आप टेंशनों में बैठे बिल आ रहे हैं सो प्रॉब्लम्स है। जी जी एक आर्टिस्ट आता है कोई कोई भी कॉमेडियन है स्टेज आर्टिस्ट है, एक चुटकुला सुनाता है एक लतीफा सुनाता है आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है, तो यही सबसे बड़ी बात होगी सर, आप उसके अंदर का दुख जो है ना वो कोई बंदा फील नहीं करता। आप यकीन करें मैं जिससे मुतासिर हूँ, एक होता है गायकी को लाइक करना हमारे इस पंजाब से हमारे उस पंजाब से,
और पूरी दुनिया में जहां पे कोई अच्छा गाने वाला होगा मैं उसका बड़ा तगड़ा फैन हूँ, और हम तो कुछ भी नहीं है लेकिन बड़े बड़े अच्छे गाने वाले हैं, मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। मेरा शायद कुछ और है पसंद करने का, जो मैं परफॉर्म करता हूँ वो कुछ और है, जो लोगों की डिमांड है, एक कमर्शियल काम है वो करना। लेकिन सर मैं एक यहाँ पे ऐड करता जाऊँ बात के, अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट जिसको मार दिया गया, तो वो इतना बड़ा नाम सिद्धू मूसेवाला, मैं वो समझ ले उनके मरने से पहले तक भी उनका इतना तगड़ा फैन नहीं था, सेम है। लेकिन जब वो मरे हैं तो फिर मैंने उनके गाने सुने, फिर जब मैंने गाने सुने तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं गलत था, मेरी थिंकिंग शायद गलत थी, मैं इस बंदे को देख नहीं रहा था ये क्या कह रहा है। इतनी सच बोलना ये इतनी इंकलाबी बातें करना ये लोगों को हजम नहीं होती, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने किसी को आराम से, मैं किसी का मुझे तो पता ही नहीं हम यहाँ पे रहते हैं नहीं किसी का कहता, लेकिन किसी ने आराम से एक ऐसे आर्टिस्ट को, एक ऐसे आर्टिस्ट को दूर की बात, कोई माँ होगी बहन उसके माँ बाप का बच्चा, मजे की बात। मैं इसको ये कहूँगा कि एक इस तरह डरपोक और डरे हुए जो जिन्होंने अटैक किया, एक अकेला बंदा जा रहा है उसको आपने जो है करना, इतनी और इतना सुपर डुपर हिट आर्टिस्ट। देखिए मैंने अपनी इंकलाबी बातें थी ना सर, इंकलाब तो ये भी देखे ना, ये भी आया कि 5 साल में उसने इंडस्ट्री को बता दिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और वो इंकलाब इसलिए था कि उसके अंदर ना सच था, एहसास था लोगों के लिए। मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो जूता पॉलिश करने वाले के पास बैठे हुए अपनी जगह छड़ दिंदा, तो मैं सारी दुनिया फिर के भी अपनी जगह ते अपने पिंड चा, एक अच्छा इंसान था। तो मैं बस उनका जिक्र भी कर दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा सिद्धू मूसेवाले की तरफ से कि मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला एक रिप्लाई दे रहा हूँ। उनका एक गाना था 295, तो मैं नहीं समझता मैं सबसे नीचे हूँ गाने में लिखने में, मैंने खुद ही एक गाना लिखा है और उसका रिप्लाई दूंगा। तो मुझे अल्लाह के घर में ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम जो है उनके साथ साथ मुझे हमारे पंजाब से और जहाँ म्यूजिक लवर होंगे पूरी दुनिया में, मैं इंशाल्लाह अल्लाह के घर में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग सुनेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो मैंने उसमें बातें की हैं वो समझ लें, वो भी एक इंकलाबी बातें हैं, वो लोगों के सामने जब आएंगी कुछ लोगों ने बुरी भी लगेंगी, लेकिन ये है कि मैंने उस आर्टिस्ट से सीखा कि आप सच्चे होकर जिए और सच्चे होकर मरे। बिल्कुल ऐसे वो मौत का वक्त मुकर्रर है ना सर, जब आनी आनी है तो फिर आप साथ जैसा काम कर जाएंगे। सॉन्ग तो फिलहाल यहाँ पे हमारे शो में तो अभी फिलहाल रेडी नहीं हुआ, मैं बना रहे होंगे अभी, आप तो अभी तो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे हमारे लिए? आपके लिए कर देंगे जो लोग और आप समझते हैं माशाल्लाह बहुत इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो मिक्स मास्टर कंप्लीट हो चुका है उसका, लेकिन अभी मैं उसको बाय वीडियो के साथ ही मेरी फैमिली में मतलब ना घर पे उन्होंने एक बात की, दो लाइनें सुनी तो मेरे घर से ना मुझे सबसे पहले पहले वो जब मुझे बात करते थे तो मुझे लगता था ये सारे नेगेटिव हैं मेरे लिए ना, ये मेरे घर वाले मुझसे जलना शुरू हो गए, तो फिर मुझे ऐसा ऐसा समझ आई कि ये मुझे ना मोटिवेट करते हैं, ये चाहता है कि मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं, और अच्छा और चल दो चल। लेकिन जब मैं गाना चालू चल कुछ और होता है, हां बूस्ट कर रहा है, वाह वाह वाह, क्या कहने आपके सर के, बिल्कुल वो उनका बेसिक मीनिंग फुल ये है काम के और चल चल। तो लेकिन जब मैंने वो गाना घर पे लगा के लाके तो मैंने जब प्ले किया ना तो मुझे एक आवाज आई, बस ये गाना आपकी जिंदगी चेंज कर देगा इंशाल्लाह, इससे अच्छा गाना आपने कभी नहीं लिखा, इससे अच्छा गाना आपने कभी नहीं गाया, हमें तो उम्मीद नहीं थी आप इतना पॉजिटिव कर सकते हैं। मैं कहा जे घर बच्चे की गवाही मिल जाए ना बहुत चंगा है, ते बाहरों जड़ा ना फिर जान छुट जाए। गवाही क्या गड़ियां घर दे गया ना ओना दा मतलब है कि यार बंदा ठीक है, तो वो मेरे लिए वो बड़ा बेस्ट हो गया कि मुझे घर से ये आवाज मिल चुकी है कानों में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके बाद बहुत इज्जत दे रहा है। सर मैंने उसका अब देखिए एक गाना टाइटल है पूरी दुनिया सुनी है 295 295, तो आप रिप्लाई 295 जब ये आएगा तो डेफिनेटली ऐसा ही बंदा होगा जो
अंदर बुक्स रखता होगा, वो ना सुने तो एक अलग बात है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन फिर वो भी सुन लेते हैं, वो भी सुनते हैं चुपके से, वो सुनेगा तब जब वो उसको इधर से इधर से इधर से आवाज आएगी, सुनते सही ठीक ही कह गए वो, उसमें कोशिश मैंने ये की है कि ये जरूर डिस्कस हो के इन्हें सुनो तो सही, वो दफा ही करो भाग पाया है ये यार, नहीं इंशाल्लाह सुनो तो सही, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है साहिब भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज अ आर्टिस्ट भी आपसे कि आप भी दुआ करो रहिएगा मेरे लिए कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी चीज है ना, अच्छी सोच हो, कहते हैं ना कि नेकी अगर आप सोच लेते हैं तो हो जाती है, बदी तब तक नहीं मानी जाती जब तक आप करते नहीं, तो ये हमारे बुजुर्गों हमारे मतलब दीन भी यही कहता है कि आप अच्छा काम करते जाए अल्लाह ताला करम करे। निधि भाई जाते जाते क्या मजेदार बंदा आया गाना पे ठंडा ठंडा दिल कर रहा थानू देख के, फिर दोनों भाई ना परफॉर्म करते हैं ठीक है, इजाजत लेके परफॉर्म करते हैं, आप इजाजत ले फिर हम परफॉर्म करते हैं, तुसी आज शो क्लोज करो जी। लो जी सजनों मित्रों बेलियों भैनों भराओ यारो सजनों ते बुजुर्गो माओ मेरियो, असी दोवें भरा बह के शो किया साहर हसन भाई मेरा, एक तो बहुत घेंट वीर है, दूजा तुम न्यूज़ थोड़े वास्ते हमेशा कोशिश करता चंगे तो चंगे प्रोग्राम लिया की, सरदार जवेद साहब की कोशिश होंगी है कि छुपे छुपे टैलेंट जिदा मेरे वर्गे बंदे है छुपे छुपे टैलेंट छुपे छुपे जो टैलेंट आ उन्होंने टीवी पर आने का मौका लोगों के सामने विखाने का मौका चैनल दिता तुम न्यूज़, सब तो पहले तो यद धन्यवाद करते हैं शुक्रगुजार हाँ, और दूसरा थोड़ा सारियां रिक्वेस्ट करदा कि अपना जो मुल्क है अपने जोड़े लोग ने अपने जोड़े चैनल ने अपने जोड़े फनकार ने इन सारे प्यार करो सपोर्ट करो थोड़े प्यार ही ए उत्ते नू जाणगे, जदों ए उत्ते नू जाणगे ते करनगे प्रेजेंट पाकिस्तान नू, ते पाकिस्तान साडा मुल्क आ साडी मां आ, ते अपनी मां लई प्यार करना उन्हूं सपोर्ट करना किसी ते कोई सहान नहीं हुंदा, ते सानू भी प्यार करिया करो अपने मुल्क नू भी करिया करो, एक दूसरे नाल प्यार वंड के भैड़ियां गल्लां नू भुला के लड़ाई झगड़े छड के ते सांझ वंडिया करो दुख सुख वंडिया करो ते हसदे रहिया करो, बंडल ऑफ थैंक्स साहिर भाई, और सानू दोवां भरावां नू इजाजत दिओ, ये भी थानू अल्लाह हाफिज कह देंगे ते मेरे वालों भी रब रख हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Your twin beats.